हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ चिराग। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्स डिज़ाइन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं बेजू के बारे में। यानी हमने आगे तो देखा था कि बेजू ऐड किस तरीके से किया जाता है, लेकिन हाउ टू क्रिएट ए बेजू यूजिंग ए ओरिएंट व्यू टूल। तो इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, हम जो व्यू है हमारा उसमें ओरिएंट किस तरीके से करना है, यानी कि अपने हिसाब से किसी व्यू को किस तरीके से सेट करना है, वो हम आज की स्टूडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने एक मॉडल बना के रखा है। इसकी मैं आपको जो पार्ट फाइल है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट और डी को प्रेस करते हुए डायरेक्टली ड्राफ्टिंग में चले जाना है। कंट्रोल शिफ्ट डी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो गए ड्राफ्टिंग विंडो में। तो अब हमें क्या करना है, पहले शीट लेनी है। शीट में हम कोई भी शीट पहले ले लेते हैं। मैं ऐसे A1 साइज की शीट ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो ये हमने एक शीट ले ली। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा मॉडल है उसका मुझे यहाँ पे व्यू ऐड करना है। तो हम किस तरीके से करते हैं, बेस व्यू ऐड, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मॉडल आया, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेस व्यू हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी व्यू रखे तो वो उस तरीके से फिक्स होता जाता है। लेकिन अब अगर हमें हमारा बेस व्यू है वो पर्टिकुलर एंगल पे, यानी कि सपोज यहाँ पे आप देखिए, मुझे इस तरीके से मुझे मेरा बेस व्यू चाहिए इस पोजीशन में, ताकि मैं यहाँ पे सारे डायमेंशन अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके वापस चला गया। तो यहाँ पे पहले मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, वापस से जाता हूँ बेस व्यू में। बेस व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा व्यू तो आ चुका, लेकिन यहाँ पे मॉडल व्यू में ओरिएंट व्यू टूल का ऑप्शन दिया गया है, उसको सिंपली मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, एक ओरिएंट व्यू का पॉपअप मेनू यहाँ पे ओपन हो गया साइड में, छोटी सी विंडो में। यहाँ पे जो हमारा माउस का मिडल बटन है उसको प्रेस करके मैं अपने मॉडल को घुमा सकता हूँ। तो मुझे जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो मान लीजिए ये जो हमारा पोर्शन था वो हमें चाहिए था, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ पे पहले मुझे इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने कर लिया, तो ये पूरा मेरे सामने आ चुका है। अभी अभी क्या करना है कि ए वाले जो फेस है वो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन हमें सेट करनी है, एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन सेट हो चुकी है। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके प्रेस, देन आफ्टर मैं इसे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी इजी तरीके से हमने जो हमारा व्यू चाहिए था जिस हिसाब से, उस हिसाब से आराम से उसी पोजिशन में एड कर दिया। सो गाइस, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरे डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन और पार्ट फाइल यहाँ पे आपको इजीली मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।